फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक और नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, पूरे कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, कुर्ते में भी डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी है। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पैटर्न के बारे में। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने 3 से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा दोनों साइड के एच स्टिच के लिए। तो चलिए, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। सीधी तरफ से है ये, एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, धागा नीचे करेंगे, 2 फंदे, ये देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे बैक लूप से, इस तरह से एक साथ बुना, इनको छोड़ेंगे नहीं। और जो दूसरा फंदा है इसको हम साथ में फिर से बुनेंगे और फिर इनको छोड़ेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से इस तरह से बुनेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इनको स्लिप नहीं करेंगे। ये पहले वाला फंदा है, इसको भी हम एक बार इस तरह से बना लेंगे, तब जाके हम इनको छोड़ेंगे। आगे का फंदा एक फंदा उल्टा, ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सॉरी छोड़ेंगे नहीं। और ये जो आगे का फंदा है इसको भी हम इस तरह से बैक लूप से बुन लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। और ये आगे का फंदा है इसको फिर से बुनेंगे इस तरह से, देखिए, और फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम पैटर्न की पहली रो कंप्लीट करेंगे अपनी, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये जो आगे वाला फंदा है इसको भी हम एक बार बुन लेंगे इस तरह से, फिर छोड़ेंगे। तो चलिए, मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से देखिए, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, यहाँ पे जो उल्टा फंदा था, ये 2 फंदे हैं जो हमने एक साथ बुने हैं, इनमें से हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से उल्टा बनाएंगे। और जो आगे का फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे और देखिए धागा नीचे करेंगे। जो ये हमने सीधी तरफ से उल्टा बनाया था, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और आगे का फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह से एक फंदा सीधा बनाएंगे जिसको हमने उल्टा बनाया था, धागा ऊपर करके एक फंदा उल्टा बनाया, और जो 2 का जोड़ में से आगे वाला फंदा है इसको हम स्लिप करके लेंगे, धागा नीचे करेंगे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, धागा नीचे करेंगे, उल्टे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, एक फंदा बुन के किया, एक फंदा स्लिप करेंगे और आगे का फंदा उल्टा सीधा बनाएंगे जो सीधी तरफ से उल्टा था। ये देखिए इस तरह से एक फंदा स्लिप किया, धागा नीचे किया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा, एज का फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे उल्टी तरफ से, ये देखिए। इन्हीं 2 रो को रिपीट करना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए
ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़।